हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद शीतल। आज के इस वीडियो में हम ऑरेंज पॉप्सिकल, जो हम चुस्की बचपन में खाया करते थे, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये इतनी टेस्टी बनने वाली है कि हमें अपने बचपन की याद तो बिल्कुल आ ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को देखने के लिए लास्ट तक मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर पार्ले वाली ऑरेंज बाइट ली है। आप कोई भी ऑरेंज कलर की जो टॉफीज़ मार्केट में मिलती हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये जो ऑरेंज फ्लेवर की टॉफीज़ मार्केट में मिलती हैं, हम सबका ही इससे बचपन का बहुत गहरा नाता है। क्वांटिटी वाइज मैंने ये 30 टॉफीज़ ली हैं और इनको छील लिया है। जो इनके छिलके हैं, इनका DIY भी मैं जल्दी ही आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए इनको फटाफट से छील लेते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने कच्चा आम वाला पॉप्सिकल आपको बताया है, उसका लिंक मैं इसमें डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, फ्लेवर भी बहुत ही टेस्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने ये एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने 2 कप पानी डाला है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी को बिल्कुल हाफ करके कम क्वांटिटी में अगर आप पॉप्सिकल बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ 6 टेबल स्पून शुगर डाली है। आप ये क्वांटिटी चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो ईजी हो जाएगा आपको बनाने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने इस पैन को गैस पर रख दिया है और चीनी को मेल्ट होने का हम वेट कर लेते हैं। क्योंकि चीनी डाली हुई है, हम इसलिए चमचे से इसको थोड़ा सा हिला लेंगे, वरना नीचे चीनी लग सकती है। 2 से 3 मिनट में ही ये काम इजीली हो जाएगा, आपको लंबे समय तक वेट करना नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ऑरेंज टॉफीज हमने छील कर रखी हुई थी, उनको हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। हमें इनका मोटा सा पाउडर बना लेना है। आप चाहें तो मिक्सी को यूज़ ना करके सभी टॉफीज को किसी पॉलिथीन बैग में डालकर बेलन की हेल्प से इसको बारीक कूट सकते हैं। मैंने मिक्सी को यूज़ कर लिया, मेरा काम इजी हो गया है। अब मैं ये पाउडर को उबलते हुए पानी में डाल दूंगी। और याद रखना फ्रेंड, जैसे ही आप इसे डालेंगे, आपको इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, वरना ये पाउडर नीचे लग जाएगा। क्योंकि इसमें शुगर, फ्लेवर और एसेंस सभी चीज़ें हैं, इसलिए हमें थोड़ा डर रहेगा कि ये नीचे लग नहीं जाए, इसलिए हमें इसे लगातार चलाते रहना है। इसीलिए हमने ऑरेंज टॉफीज़ को यूज़ किया है, अलग अलग चीज़ें हमने यूज़ नहीं की हैं, क्योंकि एक चीज़ से ही हमारा ये तीनों का काम हो जाएगा। आप चाहें तो इसको बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक टिप आपको मैं यहाँ ज़रूर देना चाहूँगी कि बाई चांस अगर इसका एक लंप बन जाए तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी जैसे जैसे गर्म होगा, चीनी और ये पाउडर धीरे धीरे पानी में डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप घबराएं नहीं, कंटिन्यूसली इसको हिलाते रहें। जब ये उबल जाए तो गैस को बंद कर दें। इसने उबाला आने के बाद मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए सिम गैस पर पकने दिया था, उसके बाद ही मैंने गैस को बंद किया है। अब मेरा ये सिरप ठंडा हो गया है और मैं इसको अपने पॉप्सिकल के जो मोल्ड्स आते हैं उनमें भर लूँगी। अगर आपके पास मोल्ड्स नहीं हैं तो आप इस तरह के कांच के जो ग्लासेस आते हैं उनमें भी आप इनको डालकर पॉप्सिकल बना सकते हैं। आपके पास ये भी नहीं है तो आप छोटी छोटी कटोरियाँ या स्टील के ग्लासेस किसी में भी इजीली पॉप्सिकल बना सकते हैं, या जो छोटे छोटे डिस्पोजेबल ग्लासेस आते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इनको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लिया है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि आइस के जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो इसमें नहीं बनेंगे, और हमारी जो ये ऑरेंज पॉप्सिकल है या जो चुस्की है जो हम बचपन में खाया करते थे, इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि हम बचपन में खाया करते थे। फ्रेंड्स, आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप कभी भी बाजार से लाकर नहीं खाएंगे। आपको ये रेसिपी भी इतनी आसान ही लगेगी जितने कि मैंने पहले कच्चा आम वाली रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। तो फ्रेंड्स, 4 से 5 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है। अब 5 घंटे के बाद मैंने इसको निकाल लिया है और थोड़ी देर के लिए मैं इसको बाहर रख दूंगी, जिससे कि ये ग्लास का जो मोल्ड है इससे आसानी से निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स, जो आइसक्रीम स्टिक है इसका कलर कितना प्यारा आया है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हम बचपन में खाया करते थे। और बस 20 से 30 सेकंड ही मैंने इसको छोड़ा और मैंने इसको आसानी से निकाल लिया है। मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी इसको बाहर निकालने के लिए। जो गिलास में जमाई थी वो भी आपके सामने है, और जो मैंने मोल्ड में जमाई थी वो भी आपके सामने है। दोनों ही देखने में बहुत सुंदर और स्वाद में बहुत ही टेस्टी हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ दूसरी वाली आइसक्रीम भी शेयर की है। ये मैंने कच्चा आम से बनाई थी और इसकी रेसिपी मैं शेयर करूंगी, और इसका भी कलर देखने में बहुत ही सुंदर है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इसी तरह की और रेसिपी आपके साथ लेकर आती रहूँगी। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।